सर्वे तीन विभाग मिलकर करेंगे भाई, ताकि कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश ना रह जाए। एक राजस्व विभाग, दूसरे कृषि विभाग और तीसरे पंचायत विभाग। आप ज्वाइंट टीम बना दो और इसके बाद रहेंगे जनता, जनप्रतिनिधि, उनके भी, जनता के भी लोग। तो ज्वाइंट सर्वे होगा, सर्वे करके फिर हम जो सर्वे की सूची बनेंगे वो पंचायत भवन में चिपकाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई घर में धर ले और बता दे तेरो होगा तेरो नहीं भाव, तेरो होगा तेरो नहीं भाव, क्योंकि उसमें गड़बड़ की संभावना रहती है। इसलिए ऐलानिया पंचायत भवन में लगा देंगे, ठीक बात है कि नहीं बताओ, ताकि सब देख सके। और देखने के बाद कोई को संतोष नहीं है तो वो फिर से कह सके कि मुझे संतोष नहीं है, ताकि कोई ना छूटे। और सर्वे के बाद दो तरह की राहत हम देंगे, एक गेहूं, चना, मसूर, रायड़ा, इन सब में 32,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि हम बांटेंगे। जहां 50% से ज्यादा नुकसान है, कम है वहां थोड़ा मापदंड उसके हिसाब से होगा। और नंबर दो, फसल बीमा का काम साथ साथ चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, नहीं तो इधर का छूट गया उधर का छूट गया, वो नहीं होने चाहिए, पूरी सावधानी से कर। तो ये राहत की राशि जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिलती वो मैं दूंगा, इतनी कहीं नहीं मिलती, आप पता कर लेना, लेकिन मैं दूंगा। और दूसरे फसल बीमा योजना का लाभ, उसके लिए भी पूरी तैयारी हो जाए, सैटेलाइट सर्वे भी करवा लो, क्योंकि आजकल तो व्यवस्था है सैटेलाइट से सारी चीजें हो जाती, तो आदमी की नजरों में तो कई बार नजरी आकलन में निकल जाए और नजर अगर बिगड़ गई तो कोई को हो जाए कोई रह जाए, इसलिए सैटेलाइट सर्वे भी हो जाए। तो दूसरा लाभ हम देंगे फसल बीमा योजना का, और दोनों मिला के नुकसान की भरपाई कर देंगे, इसलिए आंखों में आंसू मत लाओ। एक फसल का, दूसरे भगवान ना करे कुछ जगह बिजली बिजली गिरने से ओले के कारण भी कहीं कहीं इंसान की भी मौत हो गई, तो उसका भी 4,00,000 रुपया देंगे। गाय, बैल, भैंस, इनके 37,000 रुपया देंगे। भेड़ और बकरी, इनके 4,000 रुपया देंगे। बछड़ा या बछिया, उनके भी 20,000 रुपया देंगे। और मुर्गा मुर्गी कोई की मर गई हो तो उसमें भी 100 रुपया प्रति मुर्गा मुर्गी या छोटे। अब छोटे का नुकसान तो उतना ही बहुत, कुछ जगह मुझे शिकायत करी भैया बकरा बकरी मर गए, भेड़ मर गई, कोई के मुर्गा मुर्गी मर गए, तो हम कहा उनको भी नहीं छोड़े, उनको भी देंगे। और इसलिए कोई पहलू हम नहीं छोड़ने वाले कि जिसमें किसान को राहत ना दे। उसके अतिरिक्त कर्ज वसूली स्थगित कर देंगे, कर्जे का 1 साल का ब्याज भी मैं भरवाऊंगा, और अगली फसल के लिए 0% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा, ताकि ब्याज की गठिया सर पे ना बंध जाए। और बेटी की शादी अगर किसान परिवार में होनी है, प्रभावित किसान, तो 56,000 रुपया उसमें भी दूंगा, ताकि बिटिया की शादी में कोई परेशानी ना आए। ये केवल बीना सागर के लिए नहीं है, ये खुरई नरियावली के लिए भी है, और जहां जहां नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं अधिकतम जगह, जैसे आज खुरई वालों की भी उम्मीद होगी कि भैया अपने मामा आएगा, नरियावली वालों की भी होगी, निवाड़ी वालों की भी होगी, शिवपुरी वालों की भी होगी, अलग अलग जगह सब। लेकिन मैं विधानसभा में भी अभी पहुंचना चाहता हूं, इसलिए सागर जिले की एक जगह से मैं सारी बात कह रहा हूं, समय मिलते ही जरूरत पड़ी तो मैं फिर आ जाऊंगा।